अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। बुरा लग रहा है कि तुम इस शांति पूजा का हिस्सा नहीं बन पा रही हो, जबकि इस पूजा पे सबसे पहला हक तो तुम्हारा है ना। दादी जी, हम बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम पूजा में हिस्सा तो ले रहे हैं ना, और कली जी की मदद भी कर रहे हैं। बाकी भोलेनाथ को हमसे जो करवाना है वो तो करवा ही रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि पूजा का काम चाहे हम करें या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस दिव्यम जी के लिए रखी गई ये पूजा सफल हो जानी चाहिए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाओ, क्या लाइन मारी, एकदम फिल्मी। वैसे कौन सी फिल्म से चुराई तुमने ये लाइन? दिव्यम जी, आप यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ। नहीं तो अब आप लोग कुछ काम करने दे ही नहीं रहे हो, तो बोर हो रहा था, मैं सोचा यहीं चला आता हूँ। आजा, अंदर आ। हाँ, आइए, बैठिए आराम से आराम से। वैसे राधिका, आजकल तुम फुल सती सावित्री वाले मोड में चल रही हो, अपनी महानता से सबको खुश कर रही हो, which is very good, thanks. लेकिन इन सब के बीच में मैं पिस रहा हूं। दिव्यम, सच कहूं बेटा, जो इस समय राधिका पर बीत रही है ना, हम सबकी तकलीफ उसके आगे बहुत कम है। बेटा, एक पत्नी को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचता है जब कोई और औरत उसके पति के करीब आना चाहती है। एक पत्नी के लिए उसका पति उसका गुरूर होता है। वो हंसते हंसते अपने पति के परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती है, लेकिन अपने पति को बांट नहीं सकती। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हजार मौतें बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के प्रेम पर किसी और औरत का हक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बड़ी दादी को सब कुछ सच सच बता के सबकी लाइफ आसान कर देते हैं ना? बिल्कुल नहीं, भी जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलने दीजिए। तफिम जी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, कोई किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, वरना गुस्से में आप खुद को ही चोट लगा लेंगे। तुम महान हो राधिका। मैं तो कहता हूँ तुम सिर्फ महान ही नहीं, तुम तो देवी हो राधिका देवी। तुम्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिलना चाहिए। हे महानता की देवी मिसेज राधिका बंसल, वो कली नामक प्राणी गोंद की तरह मुझसे चिपके, उसके पहले मुझे एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो प्लीज। जी 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 जी, हम लेकर आते। वेरी गुड जी। बदमाश, क्यों परेशान करता है उसको? परेशानी रहती है। तेरी की सारी की सारी कॉफी नीचे गिर गई। ये कली जी ने चरणामृत को खुला क्यों रखा है? कहीं इसमें कॉफी ना गिर गई हो।
हे भगवान, कॉफी तो नहीं, लेकिन इसमें मक्खी गिर गई है। अब तो ये दूषित हो गया है, पूजा में कैसे चढ़ पाएगा? अरे वाह, प्रसाद बन गया? जी दादी सास जी। बहुत अच्छा बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा था। बुआ अनर्थ हो गया। क्या हुआ सुजाता, ऐसा कौन सा बम फट गया जो चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर में धमाका मचाए हुए हो? बुआ आपकी ये कली कली नहीं है, कांटा है। इसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता, ना हमारे मुन्ना की देखभाल कर सकती है और ना ही उसके लिए रखी गई शांति पूजा को भी सफल कर सकती है ये। सुजाता साफ साफ बताओ बात क्या है? बुआ अभी अभी हम किचन में गए थे और हमने देखा कि वहाँ पर कली ने जो प्रसाद बनाया है वो खुला रखा है और चरणामृत में तो मक्खी तक गिर गई है। क्या कली, ये क्या किया तुमने? चरणामृत को ढका नहीं? तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? दादी सास जी, हमने उनसे कहा था ढकने के लिए। किससे कहा था? वो नौकरानी जी का नाम लिया तो ये हमरा राम नाम सत्य कर देंगी। वो हमने अपने मन से कहा था और हमरे हाथों ने ढक दिया था। बकवास मत करो कली, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। तुमने प्रसाद नहीं ढका था, क्या पूजा शुरू हुई नहीं कि उससे पहले तुमने अपशगुन कर दिया? पता नहीं बुआ आगे क्या होगा। चलो सुजाता, हम भी चलकर देखते हैं कि इसकी लापरवाही का नमूना क्या है। पक्का ये नौकरानी जी या इन सासों में से किसी ने हमसे बदला लिया है। सब दुश्मन है हमरे। चलो दिखाओ। आइए बुआ जी, मैं आपको दिखाते हैं। आइए दिखाओ किसमें मक्खी पड़ गई। सब तो ढका है, फिर ये सासे हमरे पीछे क्यों पड़ी हैं? दादी सास जी देखिए ना, सब कुछ तो ढका हुआ है। नहीं नहीं बुआ, लेकिन इसी इसी चरणामृत में वो मक्खी थी, देखिए। इसमें मक्खी नहीं, तुलसी का पत्ता है सुजाता। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।